नमस्कार। आज मैं आपको नंबर 8 वालों का 2019 कैसा जाएगा ये बताऊंगी। नंबर 8 वालों का 2019 जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाएगा, क्योंकि उनको स्वास्थ्य संबंधी टेंशन सताती रहेगी इस साल। यात्राएं उनकी खूब होंगी, लेकिन अपना ध्यान रखें, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। काफी परेशान रहेंगे, माइंड काफी अनस्टेबल रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस साल। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करें, कोई काम नहीं करें तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। काफी नेगेटिव अप्रोच रहेगी इनकी इस साल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे राहु जो है वो इनके दिमाग को अफ्लिक्ट कर रहा है। तो अपनी सोच जो है वो पॉजिटिव रखें तो आगे अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख में कमी आएगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। पूजा पाठ करें, ईश्वर ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी सबसाइड करेगा। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं, वो लोग अपना क्षेत्र बदल सकते हैं और उनके बहुत जल्दी प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। वास्तु दोष, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत नेगेटिव अप्रोच उनकी रह सकती है। तो प्लीज किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से अपने घर का वास्तु या ऑफिस का वास्तु दिखवा दे। जो लोग संतान प्लान कर रहे हैं वो कर सकते हैं, परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छे स्तर के लोगों से मिलने पर नौकरी में फायदा हो सकता है, तो इस चीज का एडवांटेज आप जरूर लें। तो इसी के साथ नंबर 8 वाले जो हैं उसका एनालिसिस खत्म होता है। उनको मैं एक रेमेडी बताना चाहूंगी कि वो हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। जितना ज्यादा हनुमान जी की सेवा करेंगे उतना ज्यादा उनका ये साल अच्छा जाएगा, लाभदायक जाएगा। थैंक यू सो मच।